हेलो गाइस, दिस अनबॉक्सिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज की जो अनबॉक्सिंग है वो एक रेडमी का मोबाइल है। एकदम बजट जो 10,000 की अगर नीचे का बजट है आपका, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो उस मोबाइल को ले सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, सारी स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा, सारी टेस्टिंग करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसकी जो रेटिंग है अमेजोन पे क्या रेट मिला। और मैं तो दूंगा रेटिंग, तो अलग है ही, टेस्टिंग करूंगा उसमें रेट दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो हम अपना प्रोडक्ट बता देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेडमी 9 एक्टिव ब्लैक इन कलर, ये अपना है वेरिएंट 464 में। तो इसकी मैं आज सारी डिटेल बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। अगर आपका बजट 10,000 के नीचे है तो आप इसको परचेज करें या ना करें, तो वो मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि थोड़ा सा लगे कि भाई हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है वीडियो बनाने का। तो शुरू करते हैं के साथ रेडमी 9 एक्टिव के साथ। देसी देसी हम भी देसी तुम भी देसी करते हैं हम अनबॉक्सिंग देसी। देख पा रहे हैं रेडमी 9 एक्टिव अपना सबसे ऊपर लिख रहा है 4GB रैम और 5000 mAh की बैटरी। तो आप सबसे सिंपली आप देख पा रहे हैं इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड जो है अपना एमआई का। इसकी बैक में जाते हैं, मेन मेन जो टॉपिक होता है जो भी आप मोबाइल लेते हैं तो ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं अगर आप भी लें तो। प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले, ये चारों चीज़ें देखते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे दिखा दिया, आप देखो देख पा रहे हैं सिंपली। प्रोसेसर है G35, बैटरी 5000 की, कैमरा 13200 का कैमरा, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा 5 MP का हो गया। अपने डिस्प्ले है वो 6.53 इंच की हो गई। शुरू करते हैं बिना, इसको निकाल देता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये मैंने निकाल दिया, साइड में कर देता हूँ इसको। ये अपना हो गया प्रोडक्ट, इसको मैं साइड में रखता हूँ। पहले अंदर का सारा सिस्टम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपने निकाले सिम जैक टूल, आप यूज़ कर सकते हैं इसको अपना मोबाइल की सिम डालने के लिए। देन आप आते हैं कि तो देख पा रहे हैं क्विक गाइड, आप मोटी मोटी बातें यहाँ पढ़ लेना। आता है अडेप्टर की बात करें तो 10 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर है, वैसे 10 वोल्ट का है बट फिर भी स्पीड जो है इस मोबाइल की 5000 बैटरी है तो काफ़ी बेटर है। ये हो गया अडेप्टर की बात। ये अपनी चार्जिंग की बात करें तो माइक्रो USB केबल है इसमें। अपने जो नॉर्मली सी टाइप आती है अब ज़्यादा, तो ये नहीं है सी टाइप, माइक्रो USB केबल है। ये एक डिसएडवांटेज है माइक्रो, आज के टाइम बहुत कम मोबाइल में मिलता है माइक्रो, पर 10,000 के नीचे मैक्सिमम मोबाइल माइक्रो USB ही मिलेगा। तो ये हो गया इसकी चार्जिंग केबल। अब हम अपने आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, इनको मैं साइड रख देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये अपना है प्रोडक्ट, इसको मैं निकाल देता हूँ अब। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपना हो गया फ्रंट, आप जिस देख पा रहे हैं 6.53 इंच की डिस्प्ले है, फ्रंट कैमरा 5 MP का है। अपन नीचे जाते हैं तो ये अपना हो गया स्पीकर, देन अपना चार्जिंग जैक, और अपन ऊपर देखते हैं 3.55 mm का ऑडियो जैक हो गया। यहाँ पर साइड में जाते हैं तो वॉल्यूम पावर बटन, बैक में जाते हैं तो आप जैसे देख पा रहे हैं, आप जैसे वो साउंड सुन पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जो इन्होंने दिखा पीछे जो अपना डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये अपना कैमरा 13200 का कैमरा और फ्लैश लाइट के साथ है। जो ऑप्शन है ये एकदम ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया इसकी बैक की बात करें, इसमें हम साइड में जाएंगे तो अपना इसका हम निकाल लेते हैं। तो आप इस दे पा रहे हैं डुअल सिम विद माइक्रो SD कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपेंडेबल है वो 1 TB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। नॉर्मली होता है 1 TB तक तो नॉर्मली एक्सपेंड हो रहे हैं आजकल मेमोरी कार्ड को लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ती 64 वेरिएंट में, तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेमोरी कार्ड की। तो ये हो गया इसका, सारी डिटेल मैंने बता दी। इसको मैं ओपन कर देता हूँ फटाफट से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपना मोबाइल ओपन हो चुका है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐप नहीं, बस थोड़े से है कुछ ऐप, थोड़े से चाइनीज ऐप ज़्यादा नहीं दी। पर आप देखते हैं हम इसके और आप अपने में जाते हैं मोबाइल में, तो आप जैसे देख पा रहे हैं मोबाइल के बारे में और देखते हैं तो MIUI वर्जन 12.55 mm स्टेबल मोबाइल दे दिया इन्होंने वर्जन जो है। डिवाइस का नाम आप देख पा रहे हैं Redmi 9, स्टोरेज की बात करें 64 GB, 13 GB इसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। और MI और जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आप देख पा रहे हैं जैसे 11 में वर्क करता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको जो भी आपके फंक्शंस है वो आपको दिखा देंगे, जैसे नेट ऑन या जो भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी है। और इस तरफ से आप करेंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन वो दिखाएगा। वैसे ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये मोबाइल होता है 11,000+ की जो मोबाइल आते हैं उन्होंने देते हैं MI, जो 10,000 की नीचे कीमत का है उसमें ये फंक्शन दे रखा है, ये थोड़ा सा एडवांटेज है। टेस्टिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं कैमरा टेस्टिंग। तो कैमरा टेस्टिंग में जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने जो है ये फोटो आप जो देख पा रहे हैं ये सिंपली फोटो में है, ये सिंपल फोटो में हो गया। फिर हम करते हैं SDR, इसका ओपन करके फिर फोटो खींचते हैं तो ये जो अपनी जो सेकंड फोटो है ये SDR में फोटो हो गई। फिर हम करते हैं इसकी वीडियो, तो ये जो अपनी वीडियो चल रही है ये अपनी वीडियो है इसके मोबाइल की, बैक कैमरे से मोबाइल की वीडियो बनाई है। देन अपना प्रो एडिशन जो है इसका वो दिखा दिया, इसकी फोटो जो नेक्स्ट प्रो की वो दिखा दी। आप जो फोटो देख पा रहे हैं वो पोर्ट्रेट मोड की है। एंड मोड में जाएंगे तो आपको काफ़ी फंक्शन आ जाते हैं, जैसे नाइट में या फिर शॉर्ट्स वीडियो या टाइम लैप्स के हिसाब से जो भी वीडियो वो आ जाते हैं ऑप्शन। तो ये हो गया इसकी वीडियो टेस्टिंग, कैमरा टेस्टिंग। तो कैमरा टेस्टिंग मामले में हमेशा MI आगे रहा है,
इसकी जो रेटिंग है 5 में से मैं 4.3 स्टार देना चाहता हूँ, और बजट के हिसाब से मोबाइल की जो रेटिंग है वो काफ़ी बेटर है कैमरे टेस्टिंग में। तो अब हम करते हैं वीडियो टेस्टिंग। जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, रेडमी 9 एक्टिव आप बॉक्स देख पा रहे हैं, ये मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। इसकी ब्रांडिंग हटाई नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेडमी के जो बीच में आ रहा होगा हल्का हल्का या कॉर्नर पर है, तो ये मैंने हटाया नहीं है, आप देख पा रहे हैं। ये हो गया, अपने वीडियो टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप कंप्लीट देखें वीडियो टेस्टिंग और फिर हम इसको रेट देते हैं वीडियो टेस्टिंग में भी। तो ये अपनी वीडियो टेस्टिंग आपने देखी, अपनी क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें मैं रेटिंग देना चाहता हूँ 5 स्टार में से देना चाहता हूँ, इसको 4.2 स्टार देना चाहता हूँ इसकी डिस्प्ले रेटिंग में। तो गाइस जैसे कि आपने इसकी वीडियो टेस्टिंग देखी है और इसकी फोटो टेस्टिंग देखी, साउंड टेस्टिंग देख ली है, तो अब हम चलते हैं इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो जैसे देख आप पा रहे हैं रेडमी 9 एक्टिव, तो हम इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। तो आप इस बार देख पा रहे हैं स्क्रीन में लॉक है, या देख पा रहे हैं फेस अनलॉक करेंगे पहले, तो फेस अनलॉक कर देते हैं फटाफट से पहले। तो आप जैसे स्क्रीन देख पा रहे हैं एकदम दिखा देता हूँ आपको, ये इसकी लॉक है, मैं अपना फेस दिखा देता हूँ इसको, तो ये ओपन हो गया है। तो ये फिर से ट्राई करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फेस हुआ ओपन इसका। तो फेस की जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है, बाकी जितनी मैंने अब तक वो अनबॉक्सिंग की उससे थोड़ा सा स्लो है। तो 5 में से 4.1 स्टार देना चाहता हूँ इसकी फेस अनलॉकिंग को। तो अब चलते हैं फिंगरप्रिंट टेस्टिंग में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट मैंने इसको अपन लेफ्ट फिंगर लगाई थी, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो मैंने इस पर अपनी फिंगर लगाई और ये ओपन हो गया। और फिर से ट्राई करते हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं मैं एक बार ही लगाऊंगा, बार बार नहीं लगाऊंगा, ये लगाया और ये ओपन हो गया है। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी है, फिंगरप्रिंट में इसको 5 स्टार में से 4.3 स्टार देना चाहता हूँ। तो अब हम करते हैं सिंपल इसका अनलॉक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 5 5 पासवर्ड लगा, ये ओपन हो गया। तो अनबॉक्स तो इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग ओवरऑल तो जो भी है अपनी वो 5 में से 4.2 स्टार मिलेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी इसकी रेडमी 9 एक्टिव के बारे में, जो अपने मोबाइल अमेजोन से लिया है। तो इसकी जो ओवरऑल रेटिंग जो अमेजोन वालों ने दी है इसको 4.2 स्टार मिला आउट ऑफ 5 में से, जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं इस तरफ, तो 4.2 स्टार मिला हुआ है 1,66,000 जो भी बंदे इन्होंने दिए इसके रिव्यू। तो ये 4.2 स्टार दिया मैंने इसको, ओवरऑल रेटिंग मैंने आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बता दी इसकी रेटिंग, कैमरा टेस्टिंग, वीडियो टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्टिंग और देन अपने साउंड टेस्टिंग। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर चैनल। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तो धन्यवाद, जय राम जी।